ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 8 जनवरी 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश, जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। स्टैंड से वीडियो दोनों भाषाओं में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में, तो आप लोग इसका नियमित रूप से अध्ययन करते रहे, डेफिनेटली आपको हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी दिलाने में ये अध्ययन सामग्री सहायक सिद्ध होगी। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का 55वां जन्मदिवस मनाया गया, उनके विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है? रिसेंटली 55th बर्थडे ऑफ हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर वाज सेलिब्रेटेड, विच इज हिज कंस्टिट्यूएंसी? द राइट आंसर इज सिराज मंडी। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस परिप्रेक्ष्य से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है या उनका संबंध किस जिले से है, ये भी आपको पता है। आपसे पूछा जा सकता है कि उनका संबंध किस विधानसभा सीट से है, कहाँ से चुन के आए हुए, तो आपने याद रखना है जो इनका विधानसभा क्षेत्र है उसका नाम क्या है, सिराज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाजपा सरकार द्वारा किस नेता के जन्मदिवस पर यानी 6 जनवरी 2020 को माई गॉव वेब पोर्टल तथा सरकारी डिपो में फोर्टिफाइड आटे का शुभारंभ किया है? द राइट आंसर इज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही बेहतरीन दो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं 6 जनवरी 2020 को। एक माई गॉव वेब पोर्टल है जिसके अंतर्गत जो सरकार है वो सीधी जनता से जुड़ेगी, दूसरा जो डिपो है उसमें जो हमारे प्रदेश की जनता है उनके लिए एक फोर्टिफाइड आटे का व्यवस्था की जा सके, तो इसका शुभारंभ भी किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र किसके अभिभाषण के साथ शुरू होगा? द स्पेशल सेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बिन बिगिन विद होज एड्रेस? द राइट आंसर इज गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि विधानसभा के पहले सत्र का आगाज राज्यपाल द्वारा ही होगा? द राइट आंसर इज अनुच्छेद 176। देखिए स्टूडेंट, दोनों ये जो प्रश्न है समाचार पत्रों में सुर्खियों में थे, आपको मैंने इसका रूट पॉइंट भी बता दिया। जब भी नया सेशन शुरू होता है तो उसका जो शुरुआत की जाती है विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा की जाती है, यदि हम लोकसभा के सेशन की बात करें तो वहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरुआत की जाती है। लेकिन इसका प्रोविजन आपने याद रखना है, संविधान में वर्णन किया गया है कि जो विधानसभा का प्रथम सत्र होगा उसका आयोजन, उसका किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल उसका संबोधन करेंगे, तो अनुच्छेद 176 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न क्यों आए हैं अगली स्लाइड्स में आपको पता लग जाएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। 7 जनवरी 2020 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र किसके लिए बुलाया गया था? देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है कि विशेष सत्र क्या होता है। देखिए तीन सत्र तो ऐसे नियमित रूप से चलते हैं, जिसमें एक शीतकालीन सत्र है, एक मानसून सत्र है और एक ग्रीष्मकालीन सत्र रहता, बजट वाला सत्र रहता है, ठीक है। उसके अलावा बीच में सरकार को लगे कि कोई विशेष, कोई आपातकालीन परिस्थिति है या किसी विशेष नियम को संशोधित करना है, तो ये सरकार का क्षेत्राधिकार रहता है कि वो विशेष अधिवेशन भी बुला सकती है। तो वैसे क्या, कौन सी मुसीबत हिमाचल प्रदेश सरकार के पास आ गई थी कि इनको क्या करना पड़ा 7 जनवरी 2020 को एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना पड़ा? तो देखिए 126 अमेंडमेंट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको क्या किया गया, अभी अमेंड किया गया है 126 में संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए इन्हें बुलाना पड़ा। अगली स्लाइड में आपको बताएंगे किससे संबंधित है 126 में संवैधानिक संशोधन विधेयक, किस विषय से संबंधित है 126 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? द राइट आंसर इज अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्थानों के लिए 10 साल का आरक्षण के लिए। देखिए लोकसभा राज्यसभा से पहले पारित हो चुका है, 10 जनवरी को इसकी वैलिडिटी खत्म हो रही थी, तो उससे पहले पहले इसे क्या करना पड़ना था, 10 साल के लिए एक्सटेंड करना पड़ना था। तो आप यहाँ से दो प्रश्न याद रखेंगे, पहला तो याद रखेंगे 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका नंबर भी आपने याद रखना है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? द राइट आंसर इज 3226। आज सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि प्रदेश सरकार कुछ नई पंचायतों के प्रस्ताव भी प्रदेश सरकार के पास आए हैं और इसी वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में पंचायतों में चुनाव होने हैं, ठीक है, जो सबसे लोएस्ट निकाय माना जाता है हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का। तो एट प्रेजेंट यदि बात करें तो 3226 पंचायतें हैं हिमाचल प्रदेश में, इसमें कुछ और भी बढ़ोतरी अभी देखने को मिलेगी। आपको प्रश्न में ये भी आ सकता है इस तरह से, वर्ष 1952 में
हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायत ग्राम पंचायतें थी? द राइट आंसर करीब 280 थी, ये भी आपने याद रखना है। और अब देखिए 3226 तक के आंकड़ा पहुंच चुका है और आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री है। द राइट आंसर इज वीरेंद्र कंवर, आपने याद रखना है, पंचायती चुनाव है तो आपको पंचायती मिनिस्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में 7 मार्च से 10 मार्च के बीच राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव का आयोजन किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और नेशनल लेवल होली फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 7th मार्च टू 10th मार्च? द राइट आंसर इज सुजानपुर हमीरपुर। तो आपको ज्ञात होगा हमीरपुर से छोटा सा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन यहाँ से हिमाचल प्रदेश में को 2 बार मुख्यमंत्री भी मिले हैं प्रेम कुमार धूमल जी के रूप में। वर्तमान में उन्हीं के सुपुत्र है, इनका नाम है अनुराग ठाकुर, केंद्र सरकार में राज्य वित्त मंत्री के पद पर आसीन है। ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। तो इन्हीं के जिला में एक राष्ट्र स्तरीय होली मेले का आयोजन किया जाता है जिसका सही उत्तर होगा सुजानपुर हमीरपुर, इसको आपने याद रखना है। और विभिन्न तरह की किताबें में इसको आपको देखने को मिलेगा, राज्य स्तरीय दर्जा है एटसेट्रा, इस तरह से लिखा होगा, अभी रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव है। हिमाचल प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा सूर्य की रोशनी पानी की मदद से हाइड्रोजन गैस को पानी से अलग करने पर शोध किया गया है? तो इसका सही उत्तर है IIIT मंडी। यदि आपको कोई इस तरह का विशेष शोध मिले या आपको उसका उत्तर नहीं आता है तब भी आपने उसको IIIT मंडी कर देना है, थोड़ी सी आपको सहायता मिले, क्योंकि बहुत सी इस तरह के नए नवीन खोजें जो कि इस संस्थान से की जाती है। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी करें तो अपना समय बर्बाद ना करें, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं elastedeco.in पे, यहाँ पे आपको पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स मिलेंगे हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए, जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। बहुत से प्रश्न इन करंट अफेयर्स सीधे विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनका लाभ उठाने के लिए आप विजिट करें हमारी वेबसाइट elastedeco.in। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, केंद्र शासित राज्य दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं? हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द यूनियन टेरिटोरी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली? द राइट आंसर इज 70। याद रखें 58 सीट्स है यहाँ पे वो जनरल कैटेगरी की है, 12 सीट्स यहाँ पे रिजर्व है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्तमान में वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है जो कि कुछ वर्ष 2012 के आसपास ये पार्टी गठित हुई थी और दिल्ली में काफ़ी अच्छी मेजोरिटी इनको मिली थी। अब देखना दिलचस्प होगा ये रिपीट कर पाते हैं या केंद्र में जो आसीन भाजपा है वो वहाँ पे सरकार बना पाती है या कांग्रेस वहाँ पे किस तरह से अपना सुधार करती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपने 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। केंद्र शासित राज्य दिल्ली में विधानसभा के चुनाव कब होंगे? द राइट आंसर इज 8 फरवरी। और इनका रिजल्ट कब आएगा? 11 फरवरी को आएगा, यानी 11 फरवरी को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नई सरकार आपको देखने को मिलेगी। आपसे भी पूछा जा सकता है कि हु इज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आप उसका उत्तर करेंगे सुनील अरोड़ा। केंद्र शासित राज्य दिल्ली के विधानसभा चुनावों में किस आयु वर्ग या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा मिलेगी? विच एज ग्रुप और ओल्डर विल गेट वोटिंग, यहाँ पे वोटिंग आपने बी दूसरा कर देना है बैरी वाला, वोटिंग फैसिलिटी थ्रू पोस्टल बैलेट इन द असेंबली इलेक्शन ऑफ यूनियन टेरिटोरी ऑफ दिल्ली? द राइट आंसर इज 80 वर्ष। यदि दिल्ली में कोई नागरिक जिसकी आयु 80 वर्ष या उससे ऊपर है तो उसको चुनाव आयोग के द्वारा एक विशेष सुविधा दी गई है कि वो पोस्टल बैलेट से भी अपनी वोटिंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस अभिनेता द्वारा हाल ही में TV श्रृंखला रामी में अपने किरदार के लिए पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता? तो राइट आंसर इज अभिनेता रामी यूसुफ। सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती किस दिन मनाई गई? ऑन विच डे सावित्री फुले 189th बर्थ एनिवर्सरी वाज सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज January 3। वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आर रामानुजम। उमारो सिसोको को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपने अच्छे से याद रखना है। क्या नाम है इनका? उमारो सिसोको को किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? गिनी बिसाऊ। भारत तथा किस पड़ोसी देश के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता माना जाता है? इंडिया एंड विच नेबरिंग कंट्री आर कंसिडर्ड टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेड एंड डॉटर? द राइट आंसर इज नेपाल। और देखिए आजकल क्यों सुर्खियों में बहुत से आर्टिकल भी आ रहे हैं, काला पानी
का एक विवाद है, ठीक है, जिसमें अभी क्या किया गया है, जो हमारा यूके यानी उत्तराखंड है उसका एक पिंथौरगढ़ एक जिला है उसके अंतर्गत दर्शाया गया है कि काला पानी उसका हिस्सा है, उसके ऊपर ऐतराज है नेपाल को, और एक काफ़ी अच्छी एक पहल यहाँ पर देखने को मिली है। यदि कोई विवाद है तो उसको आपस में विचारों का आदान प्रदान करके उसे सुलझाया जा सकता है। तो अभी कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगी जो नेपाल की हाईली पॉलिटिशियन या एडमिनिस्ट्रेशन है और भारत के जो पॉलिटिशियन या एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनके बीच में एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा जिसमें इस मैटर्स को सुलझाया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टीम द्वारा तैयार किए गए करंट अफेयर्स का लाभ जरूर उठाएं। इसके साथ में हमारी टीम आप लोगों के लिए विभिन्न तरह की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध करवाती है, जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर को डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किया गया है, जिसमें बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न वहाँ से सीधे सीधे रिपीट होते हैं जिससे आप अपने लिए मेरिट प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारी मंथली मैगजीन भी है जो कि ई बुक्स की फॉर्म में है, इसे भी आप हमारी वेबसाइट elastedeco.in से प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elastedeco चैनल।